हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस। आज एक बार फिर मैं आपके बीच में आ गया हूँ आपको बताने के लिए बिजनेस स्टडीज का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर लेके। अगर आप लोगों ने अब तक ये सैम्पल पेपर को डाउनलोड नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस सैम्पल पेपर को सबसे पहले डाउनलोड करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। सीबीएसई और रिलेटेड मटेरियल के लिए आप अगर चाहें तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़िए ताकि हम आपको अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड कर पाएं मैक्सिमम से मैक्सिमम। प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना छूट जाए और हमारे साथ बना रहिए। शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है, प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशनल है, क्योंकि प्रॉफिट जहाँ आएगा ऑर्गेनाइजेशनल आएगा। दूसरा क्वेश्चन, डेट प्रोवाइड रेशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, जहाँ पर भी सेटिंग ऑब्जेक्टिव की बात आती है वहाँ पे दोस्तों हमेशा आंसर आता है प्लानिंग। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स गोल्स को कवर करके चलता है और ऐसे गोल्स मार्केटिंग टूल्स के थ्रू अचीव होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास मार्केटिंग टूल्स। थर्ड का आंसर मार्केटिंग टूल है दोस्तों। फोर्थ का आंसर दोस्तों बताना है आपको कौन सा मैनेजमेंट का लेवल है जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करता है बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ, तो आंसर आएगा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव दोस्तों हमारे बीच में आ गया, ऐसा कौन सा फ्यूल का प्रिंसिपल है जो बताता है कि सब लोगों को अपने कमिटमेंट पूरे करने चाहिए। जहां ये कमिटमेंट वर्ड आया दोस्तों हमेशा आंसर रहेगा डिसिप्लिन, 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 ध्यान रख के चलेंगे। जहां कमिटमेंट आया आंसर रहेगा हमेशा डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों हमारे सामने, अब ब्रांड और मार्क और डेट इज लीगली प्रोटेक्टेड इज नोन एज ट्रेडमार्क। जब भी ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट करा जाएगा ट्रेडमार्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे सामने आ गया, इसमें आपसे पूछा गया मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, तो मल्टी डायमेंशनल में ह्यूमन रिसोर्स से डील करने वाला मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर दोस्तों डी पार्ट है, ध्यान रखे चलेंगे, डी पार्ट करेक्टली मैच करा गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपसे पूछा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज डाइवर्सिफाई है, कौन सा स्ट्रक्चर उसको चाहिए अगर उसको स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो आंसर आएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक्टिविटी डाइवर्सिफाई है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई नहीं है, ध्यान रख के चलना। एक्टिविटी डाइवर्सिफाई है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, तो आंसर आएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर टेन हमारे सामने आ गया दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की पूछी गई है आपसे और बताया गया है, तो इसमें सही आंसर आएगा दोस्तों प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप प्लानिंग अच्छी करके चलते हैं तो आप पहले से ही गैस करके चल सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी रिड्यूस करी जा सकती है, एलिमिनेट नहीं करी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 12, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, सजेस्ट करता है कि प्लानिंग प्रीसीड अदर फंक्शन, प्लानिंग के बाद बाकी सारे फंक्शन स्टार्ट होंगे, तो 12th का आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, एक ऐसा डिसीजन जिसके अंदर हम लोग मार्केटिंग इंटरमीडियरीज को यूज करते हैं, तो इसका नाम है दोस्तों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आई रिपीट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस होलसेलर रिटेलर किस किस के थ्रू सामान पहुंचेगा कस्टमर तक, तो उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आता है दोस्तों हमारे सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है वाला। आपसे पूछा गया है इसमें कि कंट्री टू कंट्री, फॉरेन कंट्रीज का जो हमारा रिलेशन है वो किस एलिमेंट का पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो आंसर रहेगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जब भी पॉलिटिकल रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज के रिलेशन की बात आती है आंसर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मार्केटिंग इज मर्ली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मार्केटिंग प्री एंड पोस्ट दोनों ही है, पहले भी होती है, हो रही है और आगे भी होगी। मार्केटिंग बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत पहले शुरू हो जाती है और बहुत बाद तक कंटिन्यू रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया दोस्तों, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश, प्लानिंग कनेक्टेड है क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि ना केवल ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है बल्कि प्रमोशन भी करता है, तो आंसर रहेगा पैकेजिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि नया ब्रांड आया है बच्चों के लिए और उस पर लिखा गया है, वो आपको पता ही है कि कोई भी बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट आता है तो उस पर लिखा होता है कि भाई इतनी एज तक के बच्चों के लिए या इतनी एज के बाद ही बच्चों को देना है, तो ये लीगल एनवायरमेंट कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया दोस्तों हमारे सामने, इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग को, तो आंसर आएगा दोस्तों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया दोस्तों हमारे सामने कि टास्क दे रहे हैं हम लोग अपना वर्कलोड कम करने के लिए, इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मैच करना है, मैच करा गया दोस्तों सी वाले ऑप्शन में, करेक्टली मैच करा गया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस को अफेक्ट करके चलते हैं, इसका आंसर है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बिजनेस एनवायरनमेंट।
क्वेश्चन नंबर 23 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ए वाले पार्ट में करेक्टली मैच करा गया, आप ध्यान रखे चलेंगे, ए पार्ट इज एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 24, टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू अ स्टडी। इसको कहा जाता है दोस्तों साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि एक मेथड डेवलप करिए ताकि आप एफिशिएंट रहे, और ये मेथड आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और साथ साथ आपके पैसे भी बचाएगा, सब चीज लेके चलेगा। तो आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेक्शन बी से 25 आता है। इसमें आपसे पूछा गया कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है, आंसर रहेगा दोस्तों टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि यहां पे सैटेलाइट की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि विच द प्लान आर ड्रॉन, ओके किस बेसिस पर प्लान ड्रॉ होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर प्लान को ड्रॉ करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वर कंसीडर टू बी द की सक्सेस ऑफ अ फर्म, कंसेप्ट कौन सा है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, कि प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल, अफोर्डेबल भाई सस्ता, तो ये हमेशा प्रोडक्शन कंसेप्ट से रिलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है कौन सी इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो इसका आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोजीशन गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यहां से आपसे है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है, और इसमें आपको बता रहा है कि हम ऐसे प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो दोस्तों ये हमारा रहेगा प्लानिंग में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, प्रोडक्ट में क्या क्या होता है इससे रिलेटेड है। प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट ऑफ प्राइस, द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड बाय सेटिंग द अपर लिमिट, सो इन केस द इनलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू डैश When price rises, आंसर आएगा rises, बिल्कुल सही, टोटल रेवेन्यू बढ़ने वाला है जब प्राइस बढ़ेगा, या आप जानते हैं टोटल रेवेन्यू बढ़ता है जब प्राइस बढ़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 में मैच करना है, ए वाला पार्ट में करेक्टली मैच करा गया, ए पार्ट इसका आंसर रहेगा दोस्तों 32 आ गया हमारे सामने, assertion reason है यहाँ पर, फिर आपके सामने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट करी जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली, भाई दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट होती नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पार्शियली डेलीगेट करा जाता है, पूरी तरह से डेलीगेट नहीं होती, ध्यान रखे चलेंगे। अच्छा मैनेजर कभी रिस्पॉन्सिबल पूरा नहीं डेलीगेट करता बिल्कुल भी, ध्यान रखे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 33, विच प्रिंसिपल प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, दो दो लोगों की सुनने से अच्छा है एक की सुनो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ डैश डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे एक्टिविटीज को प्रोडक्ट के बेस पर ग्रुप करना डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। क्वेश्चन 35 का दोस्तों हमारा आंसर रहने वाला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखे चलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रैदर देन गेस वर्क, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी लाइन कॉपी करी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दोस्तों प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि बेसिक टास्क क्या है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों हमारे सामने पूछा गया है मार्केटिंग का कंसेप्ट, तो आंसर रहेगा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट कवर करे गए हैं और सोसाइटी की मदद करने की कोशिश करी जा रही है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों हमारे सामने आ गया, इसमें आपसे पूछा गया मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, तो मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और आपसे पूछा गया है कि यहां पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का जो मैच नहीं हो पा रहा है, इसका आंसर दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी पार्ट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है प्लानिंग की, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, यह फीचर है, ध्यान रखे चलेंगे फीचर है ये। अगला 42, पंचायत राज हंज में ये सारा का सारा स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इसका नाम है दोस्तों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अथॉरिटी दी गई है अपने एरिया में कि जो जो काम करना है अच्छे से करके चलना है, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जांपल है दोस्तों हमारे सामने।